जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि फेसबुक को इंस्टाग्राम से रिमूव कैसे किया जाता है, जो कि कुछ यूजर का ये कमेंट आ रहा था कि हम फेसबुक पे कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाता है, और कोई भी पोस्ट को हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा फेसबुक आईडी पे अपलोड हो जाता है, इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक को इंस्टाग्राम से कैसे रिमूव किया जाता है और इंस्टाग्राम को फेसबुक से कैसे रिमूव किया जाता है। इस वीडियो को पूरा इन तक देखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे भी इसी टाइप के वीडियोस पाने के लिए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो टाइम लाते रहता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, उसके बाद आप अपना प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा, तो गाइस सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा फिर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। तो गाइस चलिए हम अकाउंट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है ये वाला ऑप्शन खोज लेना है, शेयरिंग टू अदर एप्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। शेयरिंग टू अदर एप्स, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका इंस्टाग्राम जो भी फेसबुक आईडी से लिंक होगा यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, जो कि देखिए मेरा लिंक है, यहाँ पे नाम शो करा है और यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो चलिए इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको इसी पर क्लिक करना है। तो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खोल करके आ जाएगा। तो हम फिर बैक चल जाते हैं और यहाँ पर देखिए फिर इस टाइप से यहाँ पर आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पर हमें जो है अकाउंट रिमूव करना है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे अकाउंट पे। तो गाइज जैसे अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये आपका ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक आईडी है और दोनों जो है एक दूसरे से लिंक है। अब इसको रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखिए लिखा गया है रिमूव, ये रिमूव पे क्लिक कीजिए, आपका जो फेसबुक जो है रिमूव हो जाएगा। तो चलिए गाइज हम इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें रिमूव करना है फेसबुक को। तो हम जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे बोला जाए कि आप श्योर है यहाँ पे रिमूव करने के लिए, तो हम श्योर हैं। तो अब जो है आपको रिमूव करना है तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, और हम गाइज इस पर क्लिक किए हैं तो फिर से इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। फिर से हमें बोला जा रहा है कि आप सही में यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो हमें जो रिमूव करना है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो गाइज जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिमूव अभिषेक डोना RPS, तो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका जो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है योर रिमूव अभिषेक डोना RPS, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू कैन री एड दिस अकाउंट एट एनी टाइम, मतलब कि आप कभी किसी भी टाइम इस अकाउंट को फिर से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। अब जो मेरा यहाँ पे लिंक अनलिंक हो चुका है फेसबुक इंस्टाग्राम से, अब फिर से यहाँ पे देखिए ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें ऐड करना नहीं, हम चलिए बैक आ जाते हैं। तो गाइस इस तरीका से आप जो यहाँ पे फेसबुक ऐड कर सकते हैं। फिर चलिए हम फिर से शेयरिंग टू अदर एप्स पे क्लिक करते हैं। अब जो देखिए यहाँ पे लिंक नहीं है, पहले यहाँ पे ग्रीन टिक में आ रहा था लिंक, अब जो लिंक हट चुका है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको इंस्टाग्राम से अनलिंक करना है फेसबुक प्रोफाइल को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी टाइप वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।